गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप लोगों ने मेरे पहले वीडियो में देखा होगा कि मेरा नया चैनल मैंने स्टार्ट किया है, तो मैं दिखा दूँ अभी फिलहाल दिल्ली में है, वो भी आप लोग को पता है। तो मैं दिखा दूँ कि मैं कौन से फ्लैट में रह रहा हूँ, कहाँ पर रह रहा हूँ। तो ये सिलमपुर का एरिया है, जो न्यू उस्मानपुर के नाम से भी हम लोग जो एरिया में रहते हैं वहाँ का नाम है न्यू उस्मानपुर, तीसरा पुश्ता। तो आप लोगों को अब आपको हम ये छोटा सा मेरा फ्लैट है जो मैं आपको टूर करवाऊंगा, आप लोगों को दिखाऊंगा। तो चलते हैं, आपको अब दिखाते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए, चलते हैं आते हैं, दिखाते हैं आपको बालकनी सबसे पहले। तो देख सकते हैं गाइस, ये हमारा छोटा सा बालकनी है जिस पर हम लोग कपड़े भी सुखाते हैं। और बगल में मेरे राइट हैंड साइड देखेंगे तो ये हमारा बाथरूम है जहाँ पर हम लोग नहाते हैं। इस पे शावर लगा हुआ है लेकिन इस पे कोई लाइट वाइट नहीं लगा हुआ है, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि मैं एक हफ्ते पहले मैं यहाँ पे आया हूँ। और इधर हमारे लेफ्ट हैंड साइड देखें तो यहाँ पे जो है ये बहुत टाइट है गाइस, देख सकते हैं। ये वेस्टर्न कम्बोर्ड है जो हमारा दे रखा है। और यहाँ पे देखें तो एक तो छोटा सा वेसन भी है। तो अब आगे चलते हैं, यहाँ पे लाइटिंग वाइटिंग तो नहीं है। हम लोग जैसे कि आप लोगों को पता ही है एक हफ्ते पहले यहाँ पे हुआ हूँ सेटअप। तो एक दूसरा चीज भी आप दिखा देता हूँ, ये हमारा छोटा सा हॉल है जो हमारा मेरे को लगता है कि ज़्यादा बड़ा नहीं है, क्योंकि हमारे झारखंड में जो प्राइस में यहाँ पे जो मैं प्राइस दे रहा हूँ 8,000 रुपये, उतने में तो वहाँ पे बहुत 3 BHK का एठो आ जाता है फ्लैट। तो यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, ये हमारा छोटा सा हॉल है और उसी में अटैच किया हुआ है जो है हमारा किचन। वैसे ये किचन तो लगता नहीं है, दो एक मैं बोलूँ तो मेरा एक हैंड में ही कम्प्लीट हो जाता है नॉर्मल सा। यहाँ पे छोटा सा बेसन भी दे रखा है, सिंक जिसे कहते हैं। यहाँ पे अलमारी, यहाँ पे दो चार अलमारी होना चाहिए, इसीलिए छोटा सा एक अलमारी भी दे रखा है। ज्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे बताने का। तो अब आप लोग को दूसरा चीज दिखाते हैं जो हमारे हॉल में ही अटैच है, ये है हमारा खिड़की दिया हुआ है जहाँ से हम लोग व्यूज व्यूज दिखा सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं व्यूज, नॉर्मल सा व्यूज है। यहाँ बाहर के साइड हवा के लिए बहुत है, नीचे गहराई आप देख सकते हैं, रोड इधर एकदम देख सकते हैं गाइस, और इधर भी देख सकते हैं नॉर्मल सा है। और यहीं से साउटिंग आता है, यहाँ पे सामने कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है इसीलिए हम लोग धूल मिट्टी बहुत आती है, तो हम लोग सेलो टेप से एक देसी जुगाड़ लगाया है। और यहाँ पे इसीलिए पीछे आप लोग जिम में मेरा ब्लॉग देखे होंगे तो बहुत ज्यादा आवाज आती है, जैसे कि आप लोगों को पता ही है पीछे कंस्ट्रक्शन का मैंने बता ही रखा है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। और गाइस देख सकते हैं यहाँ पे जो फैन वैन का दूसरे फ्लैट में, तो जहाँ तक मेरे को पता है कि फैन वैन सब कुछ देते हैं और यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है। एक्चुअली यहाँ पे जो है सो फैन लगाने वाला जो हुक हुआ होता है वो भी दे नहीं रखा है, जिस पर हम लोग फैन यदि सीलिंग फैन लगाएं तो उसको यूज करेंगे। वैसा भी आप लोग को दिखाते हैं, अब मेरी दीदी और मेरा एक जो रूम है यही हम लोग दोनों पार्टिसिपेट करते हैं यही रूम को, जिस पर हम लोग का कभी कभी लड़ाई भी हो जाती है। अंदर आके देख सकते हैं गाइस, इसमें भी वही सेम प्रोसेस है, यहाँ भी डिजाइन दे रखा है लेकिन कोई काम का नहीं। और आप देख सकते हैं ये जो टाइल है, वैसे तो ये मुगल शासक में ये टाइल का बहुत कीमत लगा करता था, बोलते थे राजा शाहजहां जो थे मुगल एम्पायर के, वो ऐसे अपने दरबार में लगाए थे लाल किले में, आपको दिखाई देगा। और यहाँ पे देख सकते हैं वैसे भी प्रोसेस से साइड, यहाँ पे एक तो खिड़की भी दे रखी है, ज्यादा कुछ है नहीं बताने के लिए। और आप लोग को दूसरा रूम दिखाते हैं जो ये हमारा है, हमारे भैया का है। लाइट जला दूंगा, कौन सा लाइट है ये, तो भाई देख सकते हैं ये जो हमारे भैया का है जो पढ़ाई करने के लिए, उनको हम लोग पर्सनली एक तो दे रखे क्योंकि वो तैयारी करते हैं कोई चीज की, UPSC की तैयारी करते हैं, तो यहीं पे वो और वो YouTube पे वीडियो भी बनाते हैं, तो ये उनका सारा सामान है। अब दूसरा चीज मैं दिखाऊं तो छोटा सा यही रूम है हमारा, और यहाँ पे हमारा इंटर और एग्जिट, यही हमारा एक गेट है
बगल में यहाँ देख सकते हैं तो सीढ़ी है, और प्लस छत्ते में जाने का भी एक टू है सीढ़ी है। ज़्यादा कुछ है नहीं वैसे यहाँ पे, तो यहाँ पे बंद करते हैं। और ये जो हमारा सीढ़ी है, जो जीना है, वो हमारा बहुत ज़्यादा ऊंचा है। यदि कोई बूढ़े बुजुर्ग आदमी आते हैं तो ये सब वो चढ़ नहीं पाएंगे, जहाँ तक मेरे को लगता है। यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे कुछ अब वैसा है नहीं। और हम लोग तीसरे मंजिले में वैसे भी रहते हैं, तो हम लोग को अप डाउन नीचे ऊपर होने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। जैसे कि आप लोग को पता ही है, यहाँ पे दिल्ली में आप लोग जो हमारे करीबी, यहीं दिल्ली के जो हमारे देख रहे हैं वीडियो, उनको पता ही होगा कि कम स्पेस पे हम लोग को ज़्यादा चीज़ इन्वॉल्व करना पड़ता है, सारा चीज़ इन्वॉल्व करना पड़ता है। इसलिए वो बहुत ज़्यादा लंब खड़ी है बहुत। और यहाँ पे अब ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, यही है हमारा छोटा सा एट ऑफ लाइफ, यही पे हमारा है। और सोच रहे हैं कि ज्यादा से इस रूम को चेंज करने का, जो यहाँ पे आवाज बहुत आती है, हम लोग को वीडियो भी बनाने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है। तो इसलिए मैंने, मेरे भाई और मेरे पापा ने सोचा कि कहीं और हम लोग को कोचिंग भी करनी है, तो हम लोग सोचे मुखर्जी नगर यदि कोई रूम होगा तो वहाँ पे हम लोग उधर ही सेटल होंगे। और यहाँ पे यही करते हैं वीडियो को एंड। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर करें प्लीज़। जय हिंद।